तो भाई यहाँ पे है हमारा कंप्यूटर। आज के सूर्य में हम लोग इसके साथ काफी मस्त चीजें करने वाले हैं। दोस्तों मैं हम दोनों कंप्यूटर एफडब्ल्यू ने मुझे बंदी बना के रखा है। आओ इधर इधर ध्यान दो। दोस्तों आज मेरी चरण खतरे में है। एफडब्ल्यू में एक्सपेरिमेंट करने वाला है, मुझे बचा लो। भाई इसकी मत सुनना यार, ये बहुत परेशान का है। कंप्यूटर कुछ भी बोल रहा है, इसकी मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना, आप मेरी सुनो। तो है आज के सवेरे हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि किसी ने नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि लोग ऐसा ट्राई करने से डरते हैं, तभी तो मेरा कंप्यूटर चिल्ला रहा था। तो भाई आज के सवेरे हम लोग क्या करेंगे, चलते हुए कंप्यूटर से। जी हाँ, कंप्यूटर चल रहा होगा, उसी दौरान हम लोग चलते हुए कंप्यूटर से उसकी रैम निकाल लेंगे, और फिर चलते हुए कंप्यूटर से ही उसकी हार्ड डिस्क या फिर उसकी SSD निकाल लेंगे, और फिर चलते हुए कंप्यूटर से उसका CPU यानी कि उसका प्रोसेसर ही निकाल लेंगे। तो उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है FW उसके किए गए अत्याचारों से मैं शहीद हो जाऊं, तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं भाई इसको बोलने दो, कुछ भी बोलता है, आपको एक्सपेरिमेंट देखना है कि नहीं देखना है, देखना है ना। तो चलो खोलते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको कुछ नहीं होगा, ये नालायक है। तो सबसे पहले हम लोग इस CPU से निकालने वाले हैं रैम, और सेफ्टी जरूरी है, कहीं चिपका का लिया मुझे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, वीडियो कौन बनाएगा। तो इसमें जो है ना दो रैम्स लगी हुई हैं, एक 4GB की और एक 2GB की। तो अभी मैं सिर्फ 4GB वाली रैम निकाल रहा हूँ दोनों में से एक, यानी कि हमें मालूम चल जाएगा अगर दो रैम में से एक रैम निकाल दें तो क्या होगा। तो रैम निकालने से पहले एक चीज़ पे ध्यान दो भाई, पहले वीडियो पे ध्यान दे दो। इस पर अभी 70,000 व्यूज हुए हैं, जैसे ही 1,00,000 व्यूज हो जाएंगे इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो, नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख लो, यहीं कहीं पे आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें 6GB रैम है ठीक है, और 2GB यूज में है, अभी मैं निकालने वाला 4GB। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ध्यान से देखना, और स्क्रीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे भी ध्यान से देखना। तो ये वाली है 4GB रैम, ओके, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। और ये मैंने रैम निकाल ली, और वहां पे क्या हुआ है, ओ ये क्या हो गया, ओ भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे बिल्कुल नहीं आ गया था ऐसा कुछ होगा। स्क्रीन अजीब सी हो गई है, मेरे हाथ में रैम है, आप लोग देख लो ये है रैम, एक रैम लगी हुई है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे ये पता नहीं क्या हो गया है। अभी क्या कहता हूं मैं, इसी रैम को वापस लगा देता हूँ चालू PC में, देखते हैं स्क्रीन सही होगी या नहीं होगी। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। तो मुझे लगता है वापस से बंद करके ही चालू करना पड़ेगा। तो अभी मैंने वापस से दोनों रैम लगा दी हैं, देख लें कहीं PC खराब हो आप तो नहीं हो गया। ये मैंने ऑन कर दिया, वाओ यहाँ पे हमारा PC वापस से जिंदा हो गया है, लेकिन नहीं मैं फिर से एक बार रैम निकालूंगा, अब की बार सेफ्टी ग्लव्स भी नहीं है। ओ तो रैम निकालने पर कुछ ऐसा होता है, ओके ये रैम मेरे पास फिर से आ गई है, और अब की बार तो कंप्यूटर ही बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हो रहा है, इस समय सिंगल रैम लगी हुई है इस पे। अब देखते हैं कंप्यूटर वापस से चालू होगा या नहीं। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हुआ है सिंगल रैम पे, ओ तो देख लो इतना समझदार था हमारा कंप्यूटर, दो रैम थी एक मैंने निकाल लिया और कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हो गया। आप क्या कहते हैं, दोनों रैम ही निकाल लेता हूँ मैं,
अब बची हुई रैम भी मैं निकाल लेता हूँ, देखता हूँ बची हुई रैम निकालने पर क्या होगा। ओके, लो दोनों रैम गायब, कंप्यूटर हो गया बंद। यहाँ पे कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हुआ है और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। कंप्यूटर में इस टाइम पे कोई भी रैम नहीं है, कोई भी रैम नहीं है। और आप लोग देख लो दोनों रैम मेरे हाथ में है इस टाइम पे। यहाँ पे अभी ब्लैक स्क्रीन है, थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कुछ रिस्टार्ट मांग रहा है। चलो देखते हैं, ये बार बार चालू हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है। अभी हमने पूरा वीडियो भी नहीं किया, सिर्फ रैम निकाला, उतने में इसकी हालत खराब हो गई। इसके लिए दुआ करना। ये फाइनली थोड़ा अत्याचार सहने के बाद हमारा कंप्यूटर वापस जिंदा हो गया है, लेकिन इसमें एक मैसेज प्यारा सा आ रहा है जिसे हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी हमें निकालनी है इस चलते हुए कंप्यूटर की SSD, जिसमें इंस्टॉल है इसका विंडोज। अब SSD निकालेंगे तो क्या होगा। SSD निकालने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है FWS Infinity। इस चैनल पे आने वाले हैं एकदम इन्फिनिटी टाइप की वीडियो जो कि कहीं नहीं होंगे। तो भाई 50K सब्सक्राइबर्स होने पर आ जाएगा पहला वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब जरूर से करना भाई। SSD निकालने के लिए हमारा कंप्यूटर फिर से तैयार है, आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखना। कंप्यूटर ओ क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ बिना SSD के। ओ SSD मेरे हाथ में, ये देखो ये मैंने ओबे ये हो ओ मुझे लगा तुरंत बंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखो बूट मेन्यू आ गया, शायद रैम लगी थी इस वजह से जो कुछ हुआ, क्योंकि रैम में थोड़ी देर का डाटा कलेक्ट होता है और SSD निकालने के बाद भी हमारा कंप्यूटर थोड़ी देर चला। और मतलब अजीब बात है यार, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। भाई यहाँ पे हमें फिर से विंडोज डालनी पड़ रही है, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो अभी विंडोज डालना पड़ेगा वापस से, पता नहीं करप्ट हो गया क्या हो गया, उसके बाद हम लोग इसका CPU फैन और CPU निकालेंगे। तो वापस से यहाँ पे हमारा PC तैयार है एक नया टॉर्चर झेलने के लिए, लेकिन भाई इसका फैन बहुत आवाज़ कर रहा है जब से इसका एक पार्ट टूटा है। चलो अब फैन निकालेंगे, उसके बाद फैन के नीचे लगा प्रोसेसर, अब निकालेंगे इसका फैन। आजा भाई आजा, और भाई ये फैन आने वाला है। फैन आ चुका है हमारे हाथ में, ये देखो अब निकालना बचा है इसका प्रोसेसर। तो देखो हमारा प्रोसेसर आज पहली बार बिना फैन के है, और इसका थर्मल पेज साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि गर्म होने की वजह से हल्का लिक्विड हो गया। मैं इसे छू के देखता हूँ। ओ पहली बार CPU ये गर्म हो रहा है, CPU यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, ये को थर्मल पेस इसका पता नहीं क्या होगा। ओ भाई स्क्रीन पे ध्यान रखना, CPU निकलने जा रहा पहली बार चलते कंप्यूटर से। ये अभी भी बस पकड़ के उठा लेना है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये अभी भी बस पकड़ के उठा लेना है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं वहां पे क्या हुआ होगा। ओ CPU बहुत ज्यादा गर्म है।
काफी ज्यादा गर्म है और यहाँ पे कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन आ गई है। क्या बोला तूने? और यहाँ पे कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन आ गई है। तो कुछ ऐसा होता है चलता सीपीयू निकाल लेने पर कंप्यूटर से। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे वापस से लगाता हूँ और देखता हूँ आई होप हमारा कंप्यूटर बच जाए। चलते हुए कंप्यूटर में सीपीयू कौन इंस्टॉल करता है भाई? मैं कर रहा हूँ वीडियो के लिए। और ये लॉक होने वाला है। ओ भाई ये मैंने लगा दिया। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। चलो रिस्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने अपना कंप्यूटर वापस रिस्टार्ट कर दिया है सीपीयू लगा के। फाइनल रिजल्ट्स, कंप्यूटर स्टार्ट होगा या नहीं होगा? ओ कंप्यूटर के कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कंप्यूटर की जान बच गई भाई। तो इतना कुछ करने पर भी हमारा कंप्यूटर बच गया। तो कुछ ऐसा होता है चलते कंप्यूटर से रैम SSD और उसका सीपीयू फैन निकालने पर। आपको क्या लगा मेरा कंप्यूटर चला जाएगा? जी नहीं, मैं अपने कंप्यूटर कुछ भी होने नहीं देता। अच्छा हमको सिखा रहा है? क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होगा। चलो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बटन दबा देना। जितनी ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा बिना सीपीयू फैन के कंप्यूटर। ठीक है टाटा बाय बाय।